हेलो एंड वेलकम टू वी थ्री कार्स क्या आप जानते हैं कि न्यू हेक्टर के साथ अभी पुरानी हेक्टर भी सेल पे है यस yes. लेकिन अगर आप न्यू 2023 हेक्टर लेने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने बजट और रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से इस कार का सबसे सूटेबल वेरिएंट चूज़ कर पाएंगे हेक्टर के वेरियंट्स एक्सप्लेन करने से पहले चलिए आपको इसकी सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देते हैं जैसे कि इसके प्राइसेस इंजन स्पेसिफिकेशन और डायमेंशन ताकि आपको एक बेसिक आइडिया हो जाए इस कार के बारे में सबसे पहले देखते हैं इसके प्राइसेस। लेकिन इससे पहले हमारी लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए V3 को को सब्सक्राइब करना करना और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें। आप हमारी वीडियो टाइमलाइन यूज़ सेक्शन हमेशा व्हाइट सेल से मार्ग रहेगा 2023 हेक्टर के से स्टार्ट होते हैं पेट्रोल इंजन के साथ प्रो ई स्मार्ट प्रो सेवी प्रो इसका टॉप सेवी प्रो वेरिएंट सिर्फ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ ही सेल पे है हेक्टर पेट्रोल में मैनुअल से ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की मैक्सिमम अपग्रेड कॉस्ट वन लाख रुपीज है इसके टॉप सेवी प्रो ऑटोमेटिक वेरियंट का प्राइस वन लाख रुपीज है चलिए अब इसके इंजन स्पेसिफिकेशन देखते हैंक्टर का वन लीटर टर्ब पेट्रोल इंजन वन फोर्टी थ्री पी एस की मैक्सिमम पावर टू फिफ्टीटर की टॉक प्रोड्यूस करता है इसके कंपैरिजन में एक्स यू सेवन डब्लो ही डी वन सेगमेंट फाइव सीटर पेट्रोल एस यूबी है का और ratio, से कम है हेक्टर में सिक्स स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और सीवी टी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आता है हमारे रोड टेस्ट में प्री फेसलिफ्ट हेक्टर सीवी ऑटोमेटिक ने हमें इलेवन पॉइंट फोर किलोमीटर पर लीटर की फ्यूल एफिशियंसी दी थी सिमिलर टेस्टिंग पैरामीटर्स पे सेवन सीट एक्स यूवी से पेट्रोल पे 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 ऑटोमेटिक पावर ट्रेन से ये ऑलमोस्ट वन किलोमीटर पर लीटर बेटर है चलिए अब इसके डायमेंशन देखते हैं हेक्टर डी वन सेगमेंट एस यू वी है और इसकी लेंथ ऑलमोस्ट फोर पॉइंट सेवन मीटर है ये एक्सवी सेवन डबलो से मार्जिनली लॉन्ग और टॉल है लेकिन एक्सवी सेवन डबलो ज़्यादा वाइड है इन दोनों कार्स के व्हील बेस में कोई डिफरेंस नहीं है हेक्टर पेट्रोल की लेड ग्राउंड क्लियरेंस वन सेवेंटी mm फोर एम एम से वन एटी फाइव एम एम है और इसमें सेवनटीन और एटीन इंच व्हील्स आते हैं चलिए अब इसके बेनट वाइज फीचर्स देखते हैं पेट्रोल इंजन के साथ हेक्टर के स्टाइल वेरियंट का प्राइस फोर्टीन पॉइंट सेवन थ्री लाख रुपीज़ है द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू नो इज कि इस वेरियंट का एक्सटीरियर इंटीरियर डिज़ाइन पुराना है सो यू डोंट गेट द न्यू ग्रिल कनेक्टेड टेल लैम्प एंड द न्यू डैशबोर्ड डिजाइन अपार्ट फ्रॉम बेसिक सेफ्टी फीचर्स इस वेरियंट में इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल ट्रैक्शन कंट्रोल हिल स्टार्ट असिस्ट हेलिजन प्रोजेक्टर हेड हेडलैम्प डी फॉगर रियर वाइपर एंड वॉशर स्पीड सेंसिंग ऑटोडोर लॉकर रियर डिस्क ब्रेक्स जैसे फीचर्स आते हैं इन टर्म्स ऑफ स्टाइल एल ई डी डी आर एल्स सेवनटीन इंच स्टील व्हील्स विद फुल व्हील कवर्स एल ई डी टेल लैम्प्स और इंटीग्रेटेड रियर स्पॉयलर के अलावा फैब्रिक अपोल स्ट्री इस वेरियंट के नोटेबल फीचर्स हैं आप अभी टेबल में हेक्टर स्टाइल के सभी सेफ्टी और स्टाइल रिलेटेड फीचर्स देख सकते हैं इस वेरियंट में ऑडियो सिस्टम मिलेगा विद यूएस बी ब्लूटूथ एंड फोर स्पीकर स्टाइल वेरियंट के नोटेबल फंक्शनल फीचर्स हैं हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ओ आ वी एम्स ऑल पावर विंडोज टिट स्टेयरिंग फ्रंट एंड रियर आर्म 60-40 फोर्टी स्प्लिट रियर सीट विद रिकलाइन रियर ए सी और यूएसबी चार्जर आप हेक्टर स्टाइल के सभी एंटरटेनमेंट एंड फंक्शनल फीचर्स अभी टेबल में देख सकते हैं इस वेरियंट के प्राइस के अकॉर्डिंग इसमें टच स्क्रीन टचरटेनमेंट सिस्टम विद एप्पल कापले एंड एंड्रॉइड ऑटो स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स ऑटो ए सी वे कैमरा और इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल ओवीएम्स जैसे फीचर्स मिसिंग है आपको हेक्टर का बेस स्टाइल वेरियंट लेना चाहिए या किसी हायर वेरियंट पर अपग्रेड करना चाहिए इसका आंसर हम इस वीडियो में आगे देंगे हेक्टर स्टाइल से स्मार्ट ई एक्स एक्सपेरियंट का अपग्रेड टू पॉइंट जीरो सेवन लाख रुपीज का है इस फेरियड में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी अवेलेबल है एट एन इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ लाख स्मार्ट ई एक्स ऑनवर्ड सेक्टर में अपडेटेड एक्सटीरियर मिलेगा लेकिन इस फेरियड में इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल ट्रैक्शन कंट्रोल हिल स्टार्ट असिस्ट और ब्रेक असिस्ट जैसे सेफ्टी फीचर्स नहीं आते जो बेस स्टाइल वेरियंट में अवेलेबल है इस फेरियड में एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प

इस वेरियन में एडिट सेफ्टी फंक्शन और स्टाइल रिलेटेड फीचर्स आप अभी टेबल में देख सकते हैं स्मार्ट ई एक्स वेरियंट में टेन इंच टच स्क्रीन एंफरटेनमेंट सिस्टम मिलेगा विद एपल कापले एंडोडोटो सब वूफर एम्पलीफायर एंड स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स इस वेरिएंट में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ मल्टी ड्राइव मोड्स और इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक जैसे फीचर्स भी आएंगे आप अभी टेबल में स्मार्ट ई एक्स वेरियंट के फंक्शनल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में एडिट स्पेसिफिक फीचर्स देख सकते हैं हमारे इंटरनल डेटा के अकॉर्डिंग स्मार्ट ई एक्स वेरियंट में एडिड फीचर्स टू लाख रुपीज़ से कहीं ज़्यादा की वैल्यू जस्टिफाई करते हैं एंड एज अ रिजल्ट हम सभी ऐसे बायर्स को जो हेक्टर का कोई लो वेरियंट ही लेना चाहते हैं स्टाइल से स्मार्ट ई एक्स पे अपग्रेड स्ट्रॉन्गली रिकमेंड करेंगे बिसाइड्स द ऑमिटेड सेफ्टी फीचर्स हमारे अकॉर्डिंग स्मार्ट ई एक्स वेरियंट में ऑटोवेसी टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम और इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल ओआमीएम्स जैसे फीचर्स भी ज़रूर होने चाहिए थे दीज आर

टचक्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा विद वायरलेस स्मार्टफोन कनेक्टिविटी इस वेरिएंट ऑनवर्ड्स पावर ड्राइवर सीट वायरलेस चार्जर इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल ओ डिजिटल की डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर लेदर अपोल्सरी जैसे फंक्शनल और स्टाइल रिलेटेड फीचर्स भी एड होते हैं आप अभी टेबल में स्मार्ट प्रो ई एक्सपेरियंट के सभी फीचर्स देख सकते हैं हमारे इंटरनल डेटा के अकॉर्डिंग इस वेरियंट के एडिड फीचर्स अराउंड वन लाख रुपीज़ की इंक्रीमेंटल कॉस्ट ईजिल जस्टिफाई करते हैं लेकिन अगर आप हेविली लोडेड हेक्टर लेने का प्लान कर रहे हैं तो आपको स्मार्ट प्रो ई एक्स वेरियंट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए इसका आंसर हम इस वीडियो में आगे देंगे हेक्टर स्मार्ट प्रो ई एक्स से स्मार्ट प्रो वेरियंट का अपग्रेड सिर्फ टेन थाउजेंड रुपीज़ का है स्मार्ट प्रो वेरियंट में चार फीचर्स ही ऐड होते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल प्रोडक्शन कंट्रोल हिल स्टार्ट असिस्ट और ब्रेक असिस्ट बी थिंक इन सेफ्टी फीचर्स के लिए टेन थाउजेंड रुपीज़ ज़रूर स्पेंड करने चाहिए हमारे अकॉर्डिंग हेक्टर स्मार्ट प्रो इज अ डिसेंटली लोडेड वेरियंट विदाउट मच कॉम्प्रोमाइज ऑन वैल्यू एज ए रिजल्ट मोस्ट पार्ट्स को हम न्यू हेक्टर का स्मार्ट प्रो वेरियंट रिकमेंड कर सकते हैं अनफॉर्चुनेटली स्मार्ट प्रो ई एक्स और स्मार्ट प्रो दोनों में ही ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन नहीं आता चलिए नेक्स्ट वेरियंट की डिटेल्स देखते हैं हेक्टर स्मार्ट प्रो से शार्प प्रो वेरियंट का अपग्रेड वन पॉइंट फोर सिक्स लाख रुपीज का है शार्प्रो वेरियंट में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी आता है विच कॉस्ट वन पॉइंट थ्री थ्री लाख रुपीज मोर इट इस वर्थ नोटिंग के शार्प प्रो वेरियंट में ई एक्स वर्जन भी है विच कॉस्ट टेन थाउजेंड रुपीज़ लेस इसमें वही चार फीचर्स नहीं आते जो स्मार्ट प्रो ई एक्स में नहीं है लेकिन स्मार्ट प्रो में आते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल ट्रैक्शन कंट्रोल हिल स्टार्ट असिस्ट और ब्रेक असस्ट लाइक वी सेट बिफोर इन सेफ्टी फीचर्स को टेन थाउजेंड रुपीज के लिए कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए सो बिटवीन शार्प प्रो ई एक्स एंड शार्प प्रो हम शार्प प्रो वेरियंट ही कंसिडर कर रहे हैं इस वेरियंट में थ्री सिक्सटी डिग्री पार्किंग कैमरा और कर्टन एयरबैक्स जैसे सेफ्टी फीचर्स के अलावा इन्फिनिटी ऑडियो सिस्टम पावर टेल गेट ऑटो हेडलैम्प रिन वाइपर्स ऑटो एसी विद एयर प्योरीफायर वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स पावर फ्रंट पैसेंजर सीट और मल्टीकलर्ड एम्बियट लाइटिंग जैसे फीचर्स भी ऐड होते हैं आप अभी टेबल में स्मार्ट प्रो के ऊपर शार्प प्रो वेरियंट में एडेड सभी फीचर्स देख सकते हैं मैलन ट्रांसमिशन के केस में इस वेरियंट के एडिशनल फीचर्स के लिए इसकी इंक्रीमेंटल कॉस्ट कंप्लीटली वर्थ है Moreover, इसके फीचर्स मोस्टली गुड टू हैव हैं ऐसे केस में हम रेकमेंड करेंगे कि आप अपने बजट और फीचर प्रेफरेंस के बेसिस पे वेरिएंट पे अपग्रेड कंसिडर कर सकते हैं हेक्टर ऑटोमेटिक के केस में स्मार्ट ई से डायरेक्ट प्रो का ही अपग्रेड है विच कॉस्ट टू लाख रुपीज फॉर द एडिड फीचर्स ये अपग्रेड कॉस्ट जस्टिफाई होती है अगर आप हेक्टर ऑटोमेटिक ले रहे हैं तो शार्प प्रो के ऊपर सेवी प्रो वेरिएंट भी आता है ऐसे बायस जो फीचर लोडेड हेक्टर ऑटोमेटिक लेना चाहते हैं

हेक्टर पेट्रोल मैनुअल के केस में आपको स्मार्ट ई या कोई हायर नॉन ई एक्सपेरियंट जैसे स्मार्ट प्रो या शार्प्रो लेना चाहिए स्मार्ट ई बायर्स के लिए सूटेबली लोडेड है और ये बाकी सभी वेरियंट के कंपेरिजन में काफी बेटर वैल्यू ऑफर करता है इसके ऊपर स्मार्ट प्रो और शार्प प्रो में से आप अपने बजट या फीचर प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग कोई भी वेरियंट सेलेक्ट कर सकते हैं दोनों वेरियंट्स अपनी अपग्रेड कॉस्ट जस्टिफाई करते हैं पेट्रोल ऑटोमेटिक पावर ट्रेन के साथ भी स्मार्ट ई एक्सपेरियंट बजट बायर्स के लिए सूटेबल है इसके ऊपर शार्प प्रो वेरियंट अपनी इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑलमोस्ट जस्टिफाई करता है लेकिन सैवी प्रो वेरियंट की कॉस्ट इसके एडिशनल एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस फीचर्स को कंसिडर करते हुए काफी अट्रैक्टिव है तो ऐसे बायर्स जो हाई एंड फीचर रिच वेरियंट ही लेना चाहते हैं उन्हें टॉप सेवी प्रो वेरियंट ही लेना चाहिए चलिए वेक्टर के कलर ऑप्शन देखते हैं हैंक्टर में सेवन कलर्स आते हैं ग्रे रेड वाइट ब्लैक सिल्वर ब्राउन और डुअल टोन वाइट ब्लैक और इसी के साथ खत्म होता है ये वीडियो वी होप इसे देखने के बाद आप अपने लिए 2023 हेक्टर का राइट वेरिएंट चूज़ कर पाएंगे अगर आपके हेक्टर से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हैं हमारी वीडियोस के रिगार्डिंग सजेशंस हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो फॉर मोर डिटेल्स आप हमारी वेबसाइट डब्ल्यू डब्ल्यू भी जा सकते हैं या हमें फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो करें सभी लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं